इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकुला में चमनलाल डीएवी स्कूल की ओर से वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी विशेष मुद्दे रहे। इस मौके पर पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता और मेयर उपेंद्र कौर आलूवालिया ने शिरकत की। मेयर उपेंद्र कौर आलूवालिया ने भारत सरकार की नीतियों पर आधारित कार्यक्रम की सराहना करते हुए स्कूली बच्चों को बधाई दी और इन नीतियों पर अमल करने की भी सलाह दी। चमनलाल डीएवी स्कूल के सभी स्कूल फ्रेटर्निटी को मैं बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि उनका आज एनुअल डे फंक्शन है, सभी बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को। और जो आज प्रोग्राम है बहुत अच्छा है, जो भारत सरकार द्वारा जो नीतियाँ चलाई जा रही हैं उसके ऊपर आधारित था, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और बच्चों ने बड़े जोश और उत्साह में इसमें प्रेजेंटेशन दी अपनी। और मैं सभी बच्चों को बधाई देती हूँ कि जितनी भी स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर, उसमें जोर शोर से पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि यही जो मूवमेंट्स होते हैं, यही इवेंट्स जो होते हैं, जो आपको पूरी लाइफ जो है आपको चेरिश करते हैं, याद रखते हैं, आपके पेरेंट्स भी और आप भी, तो इसको पूरी अच्छी तरह निभाना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। पार्टिसिपेशन से क्या होता है, एक तो कॉन्फिडेंस आता है और बच्चों की ग्रोथ में ही हेल्प करता है और ऐसी स्किल्स डेवलप करता है जो कि आपको कभी ना कभी अपनी लाइफ में काम आती है। प्रोग्राम इसमें एक तो सर्जिकल स्ट्राइक्स पे था और एक डीमोनेटाइजेशन पे था प्रोग्राम, ताकि लोग अवेयर हो सकें, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स भी हैं और लोग भी हैं जो इसके बारे में देखेंगे, सुनेंगे और जो इसके बारे में व्यूज़ आते हैं उसके ऊपर लोगों की पॉजिटिव थॉट रहेगी, इस बारे में था ये प्रोग्राम, तो ये स्कूल द्वारा काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया। वही पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने इस मौके पर अपने डीएवी स्कूल के अनुभवों को साझा किया व संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। साथ ही उन्होंने भारत सरकार की नीतियों पर आधारित कार्यक्रम की सराहना करते हुए स्कूली बच्चों को बधाई दी और इन नीतियों पर अमल करने की भी सलाह दी। इस मौके पर विद्यार्थियों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर दर्शकों का मन मोह लिया। वो दिन याद आते हैं कि जब मैं भी इस डीएवी संस्था का पार्ट बना था, यानी सन 1960 में जब मैंने डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 8 चंडीगढ़ के अंदर एडमिशन ली थी और उस समय हमारे प्रिंसिपल श्री हरिलाल जी बहुत ही डायनामिक, मैं कहूँगा बहुत ही एक ऐसे प्रिंसिपल जो आज सभी को, जिन्होंने डीएवी स्कूल के अंदर एजुकेशन ली है वो उनके बारे में जानते हैं। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा कि 6-2 हायर सेकेंडरी लेवल आई गॉट माई एजुकेशन फ्रॉम दैट वेरी स्कूल। मुझे इस बात का गर्व है कि डीएवी संस्था ने आफ्टर पार्टीशन जो एजुकेशन के फील्ड में देश की सेवा की, देश को आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, स्वामी दयानंद जी की प्रेरणा को लेकर, महात्मा हंसराज जी की व्यक्तित्व को लेकर के जिन आदर्शों के ऊपर डीएवी संस्थाएं काम कर रही हैं। कैमरामैन बलविंदर आर्य के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट नेशनल बस के लिए।